और मजबूती कौन दे सकता है? उनके मन में एक ही भाव है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को एक बार और मौका मिला है, ताकि इस देश ने जो गति पकड़ी है दुनिया में आगे बढ़ने की, नाम कमाने की, आर्थिक तौर पे, रुपए पैसे के तौर पे लोगों में मजबूती लाने की, ये तभी संभव है जब लंबे समय तक प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत मिले लोकसभा में और लोगों की जिंदगी में एक आमूल चूल परिवर्तन हो। कांग्रेस ने आज भव्य बिश्नोई को हिसारसे टिकट दी है, तो क्या कहना? ठीक है, बाप कुलदीप जी को लगता था कि भाई बेटे को ही उतार दो, काम का क्यों पंगा लिया। तो क्या लगता है कि भव्य मुकाबला कर पाएंगे? ब्रजेंद्र सिंह का युवा है दोनों। देखिए, युवा तो तीसरा भी है। ठीक है, चुनाव में देखो एक बात तो आप मान के चलो, इन सारी जैसे आपने भव्य का नाम लिया, दुष्यंत चौटाला हैं, ब्रजेंद्र हैं, और दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी आप देखो एक नई पीढ़ी उभर के आ रही है, और ये राजनीति में नए जो जवान लोग आएंगे उनकी सोच अलग होगी, और अलग सोच का मतलब ये है कुछ ना कुछ देश के हित में ही है। क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे?